इंडस्ट्रीज़ को भी खड़ा किया, जिसमें फैसलाबाद की सनतें आपके सामने हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आपके सामने हैं। तो ये तो वज़ीर आज़म का किरदार है जो इस मुश्किल दौर में भी इस मुल्क के लोगों को रोज़गार के साथ साथ मईशत को भी सहारा दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती इस सूबे की है कि यहाँ पर सनतों के भी नाम पर लूटमार का धंधा शुरू किया गया है। हमारे सूबे में सनती जोन बनाने के लिए जो आवाम के पैसों पर, उनके दौलत पर जो डाके मारे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अलबिया है कि जिस सूबे ने खैरपुर और इस्लामकोट के स्पेशल सनती जोन को बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे सूबे में नित नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं करप्शन के। तो ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के करप्शन के पीएचडी होल्डर्स, इनके पास हर 3 महीने बाद एक नया फार्मूला आता है, जिस फार्मूले को पीटीआई की क़यादत बेनकाब करती है, वो फिर एक नया फार्मूला करप्शन का ले आते हैं। अब सुना है कि ये सूबे में सनती जोन बनाने जा रहे हैं, तो जो पहले के सनती जोन तबाह हाल हो गए, बर्बाद हो गए, तो उसका हिसाब दे लें, ना कि हम नए सनती जोन बना के उसमें फिर लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपये फंसाएँ और उसको फिर खाली मैदान मनपसंद लोगों को प्लॉट बांटने के लिए, इंडस्ट्रियल प्लॉट बांटने के लिए इस तरह की स्कीमें शुरू की जाती हैं और आखिर में वो आवाम का पैसा इन जालिमों के जेब में जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इन सबको, इन सिंध की आवाम के इंडस्ट्रियल जोन के पैसों का भी हिसाब देना होगा।